बेटा आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? अगर आपको आवाज ठीक नहीं आ रही तो आप लोग जो है वो मुझे बताइएगा कि आपको आवाज ठीक नहीं आ रही। तो हमने प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में स्टार्ट किया हुआ है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट किस तरह से पर्सनैलिटी को मैयर करते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो मैयर करने की ऐसी टेक्निक्स हैं जो रिलायबल हैं, वैलिड हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट भी रिलायबल हैं, वैलिड है। दो मेजर इसकी जो टाइप्स हैं पर्सनैलिटी को मैयर करने के हवाले से, जस्ट इनमें फ़र्क ये आ रहा है कि जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं वो ज़रा वो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, सॉरी नॉन प्रोजेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो सब्जेक्टिव टाइप हैं। तो नॉन प्रोजेक्टिव के बारे में तो हमें पहले से आइडिया है, हम उनको पढ़ चुके हैं, हमें आइडिया हो चुका है कि प्रोजेक्टिव में ऐसे टेस्ट होते हैं जो सिंपल मारूजी टेस्ट होते हैं नॉन प्रोजेक्टिव में, और प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। शख्सियत की तजलीली आजमाइशों से मुराद वो आजमाइशें हैं जो ये दरियाफ्त करती हैं कि एक शख्स शौरी और लाशौरी सतह पर क्या सोचता है, कैसे सोचता है। ये आजमाइशें या इन्वेंट्रीज इन आजमाइशों के उलट है जो मुख्तसर जवाबात में आला दर्जे के इनफरादी जवाबात हासिल करने के लिए बनाई गई हैं। तजलीली आजमाइशें जो हैं वो इस तरह से मुहीजात का मियारी टेस्ट इस्तेमाल करते हुए, मसलन नामुकम्मल जुमले, तस्वीरें, स्याही के धब्बे, मुबहम गैर वाजिया मवाद, इसमें ऐसी चीज़ें बेटा प्रोजेक्टिव टेस्ट में यूज़ की जाती हैं जो कि इनकम्प्लीट होती हैं, या आपको एक टॉपिक दिया जाता है उस पे आपने कुछ लिखना होता है, कोई कहानी लिखनी होती है। जस्ट इसमें जो आपका लेने वाला है, जो भी मुमतहिन है या जो भी तजर्बाकार है, आपका टेस्ट लेने वाला कोई भी फर्द है, उस वो इसमें अपनी राय भी शामिल नहीं कर रहा होता और आप पे कोई पाबंदी भी नहीं लगा रहा होता कि आपने जो है वो जस्ट एक लाइन लिखनी है। आप ये आपने खुद ही इसको किसी भी टॉपिक को एक्सप्रेस करना होता है। जब आप इस टॉपिक को एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी की मेजरमेंट यूं हो जाती है कि बहुत सी चीज़ें एक लिमिट टाइम लिमिट में आपने उनको कंप्लीट करना होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप उनको एक्सप्लेन करते जा रहे होते हैं, और आप एक कहानी की सूरत में या एक टॉपिक की सूरत में आप जब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में, तो बहुत सी चीज़ें लाशौरी तौर पर, जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो हम अचानक जल्दी जल्दी में वो बात भी बता देते हैं जो हमने उनको नहीं बतानी होती। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पर प्रोजेक्टिव टेस्ट को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर उन चीज़ों का भी जिक्र कर देते हैं अनकॉन्शियसली, जिन चीज़ों को हम दूसरों से छुपाना चाह रहे होते हैं या हम जिन चीज़ों को दूसरों तक नहीं पहुँचाना चाहते। तो फिर यहाँ से पर्सनैलिटी का एनालिसिस हो जाता है कि अनकॉन्शियसली आप किसी भी शय के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, या चीज़ों के दरमियान जो इबहाम पाया जाता है, कन्फ्यूजन पाई जाती है, आप उस कन्फ्यूजन को किस तरह से कम करते हैं। इस तरह से तजलीली आजमाइश में टेस्ट का सामान एक किस्म का तस्वीर लेने का पर्दा है जिसमें टेस्ट देने वाला अपनी खुशियात, जरूरियात, ख्वाहिशात, तशवीश और कश्मकश वगैरह को बता देता है। एनेस्थेसिस्ट इस तरह इन आजमाइशों को गैर मौलजी मुशावरत यानी तालीम पेशा वराना मुशावरत की नस्बत ज़्यादातर लोगों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनके पर्सनैलिटी के हवाले से, जिनके मसाइल हैं शख्सियत के हवाले से, जिनके मसाइल सामने आ रहे हैं तो उनके हवाले से भी इसमें बताया जाता है। जो अगर हम पर्सनैलिटी की टाइप्स का जिक्र करते हैं तो पर्सनैलिटी की जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास RISB, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास दी होल्ट्समैन इंक ब्लॉट टेक्निक्स और थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट की टाइप्स हैं जो हम जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले आ रही हैं RISB, दी रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक, RISB। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रोजेक्टिव टेस्ट की कैसी टाइप है। शख्सियत की पैमाइश के लिए एक माहिर नफ्सियात फर्द को नामुकम्मल जुमलों को एक सिलसिला मुकम्मल करने के लिए देता है जो इस तरह से शुरू हो सकते हैं, जब मैं किसी दावत में गया तो, मसलन, उसके बाद डैश है, खाली जगह है, मेरी अम्मी, फिर उसके बाद फिर खाली जगह है, मेरे बच्चे, फिर खाली जगह है, अगर मेरी मर्जी होती तो, उसके बाद फिर
खाली जगह है। ये जुमले मुकम्मल करने का तरीका एक लचकदार तरीका है। लचकदार इसको क्यों कहा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से इसको आंसर कर सकते हैं, चाहे आप इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस कर दें या बहुत ही कम्प्रिहेंसिव आंसर करें या बहुत ही आप इसको शार्ट कर दें, जिसे बहुत से मुख्तलिफ हालात में पेश किया जा सकता है। आमतौर पर माहिर नफ्सियात इन जवाबात की तर्जमानी के लिए अपने क्लिनिकल तजर्बा पर इन्हसार करता है, लेकिन RISB की तर्जमानी के लिए कुछ मयार भी बताए गए हैं, मतलब कि किस तरह से क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो उसको जज करता है। अच्छा, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है वो है फिल इन द ब्लैंक्स में है, जैसा कि जब मैं किसी दावत में गया हूं तो, उसके बाद है मेरी अम्मी, उसके बाद जो जब मैं किसी दावत में गया तो, उसके बाद आप इस अपनी मर्जी से इसको आंसर काट सकते हैं। ठीक है, आप इसमें चाहे तो उसको पॉजिटिव आंसर करें, जब चाहे तो आप इसको नेगेटिव आंसर करें। जैसा कि मैं अगर मसलन इसको करूंगी तो मैं कहूंगी कि जब मैं किसी दावत में गई तो वहां पर मुझे अपनी एक दोस्त मिली, ठीक है, उसको उसके साथ मैंने मुझे वो मेरी काफ़ी पुरानी दोस्त थी और उसका मोबाइल नंबर मुझसे खो गया था, वहाँ पर मैंने उसको देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, हमने बहुत ज़्यादा बातें की। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करूँगी। इसी तरह से मैं चाहे उसको जितनी मर्जी मतलब उसको लंबा काट दूँ, जितना मर्जी उसको आंसर करूँ, मेरी अम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, इस तरह से जिस तरह से मर्जी आप इसको कंप्लीट करें। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे तंग नहीं करते, जिस तरह से मर्जी आप इसको कर सकते हैं। अगर मेरी मर्जी होती तो मैं ये करती या वो करती, आप इनको कंप्लीट जब करेंगे तो आप अपने मतलब उसको शौरी तौर पर आंसर कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें अनकॉन्शियसली आप उसके बारे में बता रहे होंगे। तो रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ब्लैंक ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको एक दो वर्ड लिखे होते हैं और बाकी आपने उसको खुद से कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है द रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, द रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट जो है ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत ही अथेंटिक है, हरमन रोशाख ने डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और मतलब कि ये टेस्ट जो है रोशा इंक ब्लॉट स्याही के धब्बों की आजमाइश है। स्याही के धब्बों को देख के आपने अपने मामूल से पूछना होता है, उसको दिखा के मामूल से पूछना होता है कि आपको इस धब्बे में क्या नजर आ रहा है। वो आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ बादल शक्लें बनाते हुए दिखाई देते हैं आसमान के ऊपर, या मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं अक्सर आप दीवारों वगैरह पर कुछ ऐसी चीज़ें निशान लगे होंगे या लाइनें, तो आपको मुख्तलिफ शक्लें बना शक्ल की सूरत में दिखाई देती हैं। तो रोशा टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपको इन चीज़ों के बारे में आगाह करता है कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो किस तरह से अपनी असल तस्वीर को प्रेजेंट कर रही हैं। जैसा कि हम अगर रोशा टेस्ट बहुत वैसे एक्सपेंसिव टेस्ट है, हम मार्केट से इनको खरीद के अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इनको डिज़ाइन करने का तरीका भी बहुत आसान होता है। जैसा कि आप एक चकोर पेपर ले लें, उस चकोर पेपर के बिल्कुल दरमियान में आप एक इंक का ड्रॉप गिराएं, ठीक है, ड्रॉप गिराने के बाद आप उसको पहले एक साइड उसकी उसको फोल्ड करें, फिर उसको दूसरी तरह से उसको फोल्ड करें, तो वो आपको जब आप उसको खोलेंगे तो वो एक धब्बे की शक्ल में आपको नजर आएगा। तो वो जो आपको एक उसके ऊपर धब्बा नजर आएगा, तो वो आपने अपने मामूल से पूछना होगा कि आपको इस धब्बे में क्या नजर आ रहा है, जानवर परिंदे आपको इंसान किसकी शक्ल दिखाई दे रही है, तो जिसकी भी उसको शक्ल दिखाई दे रही होगी उसके मुताबिक हमने उसको उसकी मेजरमेंट करनी होगी, उसकी स्कोरिंग करनी होगी कि किस तरह से उसको क्या जो कुछ भी नज़र आ रहा है उससे उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो हरमन रोशाख ने जो ये टेस्ट डिज़ाइन किया है, तो मुख्तलिफ इसमें कार्ड्स शामिल किए गए हैं, लेकिन अगर हमें वो प्रॉपर कार्ड नहीं भी मिलते तो हम उनको इस तरह से बना के एक चकोर पेपर पर तो हम उनको भी प्रेजेंट करके तो रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो स्याही के धब्बों की आजमाइश है, उसमें हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि वो हमारा जो मामूल या हमारा जो सब्जेक्ट है वो उस धब्बे के सारी उस धब्बे के जो पिक्चर पूरी बनी हुई है उसके बारे में बता रहा है या कोई स्पेसिफिक चीज़ बता रहा है या किसी एक हिस्से की बात कर रहा है। मतलब कि अगर हम लोकेशन या मकामियत की बात करते हैं तो मामूल ने धब्बे
के किस हिस्से के मुतालिक बात की, उसने क्या उसके सारे हिस्से के मुतालिक बात की, थोड़े से हिस्से के मुतालिक बात की, या उसने उसका कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जो है उसी के बारे में बात की। उसके बाद उसके असबाब हैं कि क्या मामूल ने धब्बे के रंग के बारे में बात की, या उसके शक्ल के मुतालिक बात की, या फिर हरकत के बारे में बात की, किस चीज़ की तरफ उसने उसकी जो एक अटेंशन थी वो किस तरफ थी। फिर उसके बाद कंटेंट्स हैं, धब्बे की अशिया के बारे में मामूल ने क्या बताया, क्या इसने धब्बा में जानवर की शक्ल देखी या इंसान की देखी। इस तरह से हम उसकी जब हम मामूल की हिस्ट्री लेंगे तो उसके बाद हम उसकी उस टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के हवाले से ये भी देखेंगे कि हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर उसको अप्लाई कर रहे हैं उसकी उम्र क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है। इस तरह से एनेस्थेसी के मुताबिक बहुत से लोग इन इस तरह के टेस्ट में उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जो उनके सराउंडिंग्स में मौजूद होती है, जिन चीज़ों के साथ उनका वास्ता ज़्यादा पड़ रहा होता है, अक्सर वही चीज़ें या उनका जो माइंड स्केच है उन चीज़ों के बारे में ही होता है, इसलिए वो उन चीज़ों के बारे में ही ज़्यादातर इन चीज़ों का जिक्र करते हैं रोशा टेस्ट में। लेकिन अगर बाज़ुकात इसका ताल्लुक जो है वो आपके इर्द गिर्द के माहौल से नहीं होता, ज़्यादातर आपका ताल्लुक आपकी सोचने समझने की सलाहियतों से भी हो सकता है कि आप किसी भी शय के बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हैं, या आप किसी भी चीज़ को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप चीज़ों के मुतल्लिक क्या राय रखते हैं, या किस तरह से आप चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो हरमन रोशाख ने डिज़ाइन किया सिर्फ अनकॉन्शियसली चीज़ों को मैयर करने के हवाले से जो पर्सनैलिटी से मुतल्लिक हो सकती हैं। हॉल्ट्समैन स्याही के धब्बों का जो तरीका है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ रहा है दी हॉल्ट्समैन इंक ब्लॉट टेक्निक। हॉल्ट्समैन जो का जो तरीका है वो रोशा के टेस्ट से मिलता जुलता है, जस्ट इसमें ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो रोशा टेस्ट है उसमें बहुत सी चीज़ों को आप एक कार्ड के ऊपर भी आंसर कर सकते हैं, जबकि हॉल्ट्समैन के टेस्ट में मामूल से कहा जाता है कि वो हर कार्ड पर सिर्फ एक जवाब दे, मतलब कि उसको ये इस चीज़ के टेस्ट के ड्यूरिंग ये नहीं कहा जाता कि आप इसकी एक एक चीज के बारे में अलग अलग से एक्सप्लेन करें, उससे ये कहा जाता है कि आपने टेस्ट के बारे में एक ही आंसर करना है, आपने मुख्तलिफ चीज़ों को आंसर नहीं करना। इस तरह से टेस्ट का जो सिस्टम है, हॉल्ट्समैन का टेस्ट का जो सिस्टम है स्कोरिंग का, इसको ज़्यादा मरूजी समझा जाता है, ज़्यादा अथेंटिक समझा जाता है कि तखमीनकारी के तरीकों की निस्बत, तखमीनकारी का अगर अंदाज़ा लगाया जाए, वेरीफिकेशन की जाएगी जब इसकी, तो इसके रिजल्ट्स के इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो ज़्यादा अथेंटिक होंगे। तो इसमें ज़रा सा डिफरेंस जो है वो सिर्फ ये आ रहा है रोशा और हॉल्ट्समैन में, लेकिन ये है कि दोनों ही पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा मैयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें तरबियत याफ्ता या तजर्बाकार या जिसको आप कह सकते हैं एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा तजर्बाकार फ़र्ज हमें चाहिए होता है जो इन टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हो या इनको लागू कर रहा हो, तो वो इसके मुतलिक सारी इंफॉर्मेशन रखता हो। अगर वो इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा तो फिर वो इसकी स्कोरिंग अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा और हमें जो है वो मामूल के बारे में या उसकी पर्सनैलिटी की मेजरमेंट में बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट इसमें आ रहा है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टी ए टी इसका एब्रीवेशन है। बाज़ुकात आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन TAT, तो TAT जो है वो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जो पर्सनैलिटी की मेजरमेंट के लिए है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इसको कहा जाता है, उर्दू में हम इसको दास्तानी इदराकी आजमाइश कहते हैं। मरे ने तैयार की थी और इसने TAT कार्ड्स के जरिए मामूल की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए एक टेस्ट डिज़ाइन किया। अच्छा, जो इसमें कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं TAT कार्ड, वो तस्वीर, मुख्तलिफ़ तस्वीर यूज़ की जाती हैं फ़र्द की पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो उसमें कार्ड्स को अगर हम कार्ड्स का जायज़ा लें तो TAT कार्ड्स में कुछ कार्ड बिल्कुल ब्लैंक हैं और कुछ ऐसे कार्ड भी हैं जो बिल्कुल ही आप समझ लें कि उनको वो कुछ ब्लैक, कुछ वाइट और कुछ ब्लैंक है, ठीक है, खाली कार्ड भी हैं और कुछ के ऊपर कुछ तस्वीर हमें दिखाई देती हैं। अब जो तस्वीर उसके ऊपर
दिखाई दे रही हैं वो उनमें बहुत ज्यादा इबहाम पाया जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है। हम उन तस्वीर को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके हवाले से कि उनकी कहा उसके ऊपर क्या ये क्या कहानी बन सकती है। किसी एक तस्वीर में आपको जो है वो टीएटी कार्ड्स में किसी एक तस्वीर में किसी एक फर्द की तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वो बहुत ज्यादा गमगीन है, उदास है। दूसरी तस्वीर दूसरे कार्ड में आपको उसमें कोई दो करेक्टर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, वो एक आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं। तीसरे कार्ड में आपको ऐसा लग रहा होता है कोई एक फर्द दूसरे फर्द को मार रहा है। तीसरे चौथे कार्ड में आपको कोई ऐसे बहुत ही खौफनाक और ऐसी तस्वीर नजर आ रही होती है जिसको देख के आप फौरन डर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्टर एक से दो जो हैं वो हर कार्ड में बताए गए हैं, उनको देखते हुए वन बाय वन आपने कहानी लिखनी होती है, टीएटी के हवाले से कहानी लिखनी होती है। और अब कहानी का तरीकाकार ये होता है कि जो स्टोरी आपने बनानी होती है टीएटी की, उसमें आपने जो कार्ड है उनवान, सबसे पहले तो आपने टाइटल लिखना होता है, आपने तस्वीर को देखते हुए टाइटल लिखना होता है, उसके बाद आपने उसका मॉरल लेसन भी लिखना होता है, आपने उस तस्वीर को देखते हुए तस्वीर को जो है वो माजी हाल मुस्तकबिल तीनों जमानों में बयान भी करना होता है। और आपको जो इसके लिए टाइम दिया जाता है वो तकरीबन 5 मिनट का टाइम होता है, 3 से 5 मिनट का जो आपको टाइम दिया जाता है उसमें पहले आपको तस्वीर दिखाई जाती है चंद सेकेंड के लिए, फिर तस्वीर आपकी नज़रों से हटा ली जाती है और आपसे कहा जाता है कि अब आप इसके ऊपर जो है वो कहानी लिखें। जब आप उसके ऊपर कहानी लिखते हैं तो आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है, जबकि कहानी जो है वो पूरी आपने एक्सप्लेन करनी होती है जिसमें आपने करेक्टर के नेम्स लिखने होते हैं, कहानी को माजी हाल मुस्तकबिल तीनों जमानों में बयान करना होता है, आपने कहानी को कहानी के करेक्टर्स को नाम भी देना होता है कि हम इसमें उसको क्या नाम दें, मतलब कि कहानी जो आपने लिखनी है उसमें जो करेक्टर है उसको क्या नाम देना चाहिए। मतलब कि अगर एक यंग लेडी है तो आप कहेंगे कि आयशा एक बहुत अच्छी लड़की है, उस तरह से आप कहानी को बनाना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद आयशा का माजी ऐसा था, फिर आयशा का जो हाल है वो ऐसा है, आयशा मुस्तकबिल में ये करना चाह रही है। अब आपने थोड़े से टाइम में उस पूरी कहानी को बयान करना होगा। अब जब आप थोड़े से टाइम में उस पूरी कहानी को बयान करेंगे तो आप उस कहानी के बारे में जल्दी जल्दी उसका जब लिखेंगे तो अनकॉन्शियसली बहुत सी ऐसी चीजों को भी लिख देंगे जो आपके कॉन्शियस से ताल्लुक रखती हैं। यूं आपकी पर्सनैलिटी की मेजरमेंट होगी। अगर इस तरह से सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है एक्सप्रेस करते हुए, चीजों को एक्सप्रेस करते हुए अगर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है चीजों के बारे में तो वो ठीक तरह से हमें रिजल्ट नहीं दे पाता, किसी भी सूरत हाल का रिजल्ट हमें ठीक तरह से नहीं दे पाता। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा मतलब कि अनकॉन्शियसली चीजों को कर रहा होता है तो उसके ऊपर उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे होते हैं। तो ये टीएटी टेस्ट है, टीएटी टेस्ट जो है इसमें बहुत थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग भी की गई है, और टीएटी टेस्ट जो है वो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत अच्छी है। जब हम टीएटी की टेस्टिंग करते हैं या हम टीएटी के स्कोर्स देखते हैं तो हमें इसके स्कोर्स जो हैं बनिस्बत बाकी टेस्टों के बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें नजर आता है। अगर आपने कोई अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला है या आपने उसको बहुत ज्यादा कॉन्शियस कर दिया है तो आपको टीएटी का वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। तो आप टीएटी को परफॉर्म करना है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें इंस्ट्रक्शंस कि आप उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है कि अगर इंस्ट्रक्शंस आप सब्जेक्ट को अच्छी नहीं देंगे तो वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे वो आपको आप वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे जो आपको उससे करने चाहिए।
तो आपका पूरा जो टेस्ट है उसकी आपको अच्छी तरह से स्कोरिंग नहीं कर सकेंगे और अच्छा सा उसका रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। इसलिए इनकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले इंस्ट्रक्शंस जो आपने सब्जेक्ट को देनी होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और उसके बाद जो आपका एक्सपेरिमेंटर है जिसने इसको करना होता है वो बहुत ज़रूरी है कि उसने किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को दिया और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनकी स्कोरिंग उसने किस तरह से करनी है। स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी अगर उसकी, क्योंकि टेस्ट डिजाइन करते हुए टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत अच्छी होगी। इसलिए जब स्कोरिंग अच्छी होगी तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का भी हमें फायदा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ रहा है इंटरव्यू टेक्निक्स। इंटरव्यू टेक्निक्स जो है वो भी हम पर्सनैलिटी की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यू टेक्निक से हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करते हैं। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या होती है? किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, डीप ऑब्जर्व करना, किसी के किरदार का मुशाहिदा करना कि उसका किरदार कैसा है। तो इंटरव्यू टेक्निक्स में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू से, फेस टू फेस इंटरेक्शन से हम फ़ायदा उठाते हैं और हम बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करते हैं ताकि किसी की पर्सनैलिटी की मेजरमेंट की जा सके। देखिए, जब भी हम किसी की पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हैं सबसे पहले हम उससे मिलते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं। अगर हम उसको उससे मिलते नहीं हैं, उससे बातचीत नहीं करते, तो क्या हम उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं? हम उसकी पर्सनैलिटी को किसी तरह से भी अच्छे तरह से जज नहीं कर सकते अगर हम उसकी जो प्रॉपर हम उसकी इंटरेक्शन हम जब उससे नहीं करते। तो इसमें जो टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो टेक्निक वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और जो मेन इसकी टाइप्स हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दोनों तरह से आप उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरव्यू की ज़रूरत आपको कई जगह पर, कई शोबों में महसूस होती है कि आप जब हम अगर प्रोफेशनल उसकी प्रोफेशन की बात करें तो हमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के हवाले से अगर करें तो हम वहाँ पर पर्सोनल सिलेक्शन के हवाले से जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसमें मुख्तलिफ कारकुनान का इंटरव्यू इसलिए ले रहे होते हैं, वो नॉर्मल पर्सनैलिटीज होती हैं लेकिन हम कारकुनान का इंटरव्यू इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हम उनको जज कर सकें कि वो क्या हमारे प्रॉपर क्राइटेरिया पर, जो हमारा एक क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतरे। क्या वो हमें एक जो हमारा एक मेयार है जॉब्स के हवाले से, क्या उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं या नहीं? क्या उनमें कॉन्फिडेंस है? क्या वो इंटेलिजेंट हैं? क्या वो हार्ड वर्किंग हैं? क्या वो काम को बेहतर तरीके से करने के हवाले से, या क्या वो हाजिर जवाब हैं? क्या वो हमें हमें जिन चीज़ों के बारे में हम क्वेश्चंस करें क्या उनकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है उनके पास? तो ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन जब हम किसी पेशेंट या क्लाइंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो हमारी और तरह की होती हैं। हम उनमें ये नहीं देख रहे होते कि वो किस तरह से कॉन्फिडेंस, नहीं हम उनका चेक कर रहे होते बल्कि हम ये चेक कर रहे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी को में क्या ऐसे खसाइस हैं या क्या ऐसे फॉल्ट्स हैं जो हमें इंटरव्यू के दौरान नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम प्लैंड कोई एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं और हम प्लैंड क्वेश्चनेयर के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चंस करते हैं। तो वो जो हमारे पास एक प्लैंड क्वेश्चनेयर होता है उसका हमें ये बेनिफिट होता है कि उसमें हमने हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डिज़ाइन की होती है और हम उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चनेयर जो हमारे पास होता है वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होता है, स्पेसिफिक होता है, और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं। और हम उनसे क्वेश्चंस से प्रॉपर एक स्टेटमेंट होती है जो हम इस तरह की स्टेटमेंट डिज़ाइन करते हैं जिसमें हमारा एक आइटम जो होता है उसमें कोई इबहाम नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ही आसान होता है, इंटरव्यू देने वाले को बहुत आसानी से समझ आ रहा होता है कि उससे क्या सवाल किया जा रहा है। और ऐसे इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं होता जिसमें अगर आप उसको चेक करना चाहें तो उसकी मतलब कि क्या उसके मसाइल हैं और उसके मसाइल के मुताबिक अगर टेस्ट डिज़ाइन नहीं किया गया तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम उसको जो अब जब हम चेक कर रहे हो कि उसको क्या क्या मसाइल हैं तो हमारा जो क्वेश्चनेयर है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में फिर जो उसके मसाइल हैं हमारा अगर क्वेश्चनेयर उसके अकॉर्डिंग होगा
तो हमारी उसके साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी, वो हमें आंसर करेगा, हम उससे जो जो चीजें हमें डिमांड हमारी है उसके मुताबिक होंगी, हम उससे जो सवाल कर रहे होंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, तो हम सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब कि हम इसीलिए उसको लिख लेंगे ताकि वो हमें याद रह जाए। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जो कि हमने डिजाइन नहीं किया होता और हम उसमें इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, हम बिहेवियरल जजमेंट कर रहे होते हैं, हम उसके किरदार का मुशाहिदा इस तरह से कर रहे होते हैं, जिस तरह से जो चीज़ें हमें उस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही होती है हम उसके मुताबिक ही उनको सवालात, जो भी सवालात हमारे जहन में आ रहे होते हैं हम कर रहे होते हैं। इंटरव्यू की ये टाइप भी बहुत ज़्यादा वैलिड है, रिलायबल है, लेकिन इसमें बाज़कात एक बहुत बड़ी खामी ये पाई जाती है कि बाज़कात जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो नहीं कर पाते, और मुख्तलिफ ऐसी सिचुएशन जिससे हम फिलहाल जो हमारे सामने उसकी इंटरेक्शन होती है उसमें जो चीज़ें मौजूदा होती हैं उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होता है, हमारी अटेंशन उन चीज़ों की तरफ चली जाती है और हम मेन जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो आ रहा है मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू, मेन करेक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाए तो जो इस एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसकी जो मेन जो उसके बहुत ज़्यादा बुनियादी खसाइस हैं उनमें उनका अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए इंटरव्यू लेने वाले को, और इसके साथ साथ उन चीज़ों को अगर हम इंटरव्यू को बहुत वैलिड और रिलायबल बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें उन्हीं ऐसे ही क्वेश्चंस करने चाहिए जो उससे मुतलका हो, हमें ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए जो इंटरव्यू से गैर मुतलका हो, ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम मतलूबा नतीज हासिल कर सकें जो उससे मुतलिक हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट के हवाले से, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के हवाले से हम जो है वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्टिव टाइप, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड आइटम्स, वैलिडिटी ऑफ गुड टेस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ गुड टेस्ट, अनस्ट्रक्चर्ड, एम्बिग्विटी बेस्ड, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। जब भी हम प्रोजेक्टिव टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक तो सबसे पहला उसका ये होता है कि वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, वो जामे होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल ऑप्शंस, इस तरह के उसमें कोई भी जब उसको आप डिज़ाइन करते हैं तो ऐसा कोई भी उसमें एलिमेंट मौजूद नहीं होता, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिस चीज़ को आपने जहन में रखना है, और क्योंकि अगर आपने ये चीज़ जहन में ना रखी तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव है, कि प्रोजेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टाइप है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड आइटम्स, जब आप सब्जेक्टिव टाइप के आइटम्स बनाते हैं तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, उनकी वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी कैसी होनी चाहिए। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अगर अच्छी होगी तो टेस्ट भी का रिजल्ट एक एक आइटम का बहुत अच्छा होगा। हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना कि हमें 100 आइटम बना लेने हैं, 200 बना लेने हैं, ठीक है, 300 बना लेने हैं, हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हमें अगर थोड़े से भी आइटम बनाने हैं, 10 आइटम भी बनाने हैं तो उनके ऊपर हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो आइटम्स इतने रिलायबल होने चाहिए कि हमें एक एक आइटम जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे। अगर हमने उसके बेशुमार आइटम बना लिए हैं लेकिन अगर वो रिलायबल नहीं है तो हमें वो रिजल्ट नहीं देंगे जो हमें चाहिए होगा। तो जैसा कि MMPI आपको पता है कि नॉन ऑब्जेक्टिव है, तो MMPI के बारे में यह है कि उसके बेशुमार आइटम थे जिनको समराइज किया गया, कम किया गया, क्योंकि बहुत से आइटम ऐसे थे, अगर एक आइटम में एक क्वेश्चन एक बात की जा रही है तो बार बार घुमा फिरा के वही बात मुख्तलिफ आइटम्स में की जा रही है, तो उसको किस तरह से रिव्यू करके समराइज किया गया कि अगर 10 आइटम में एक ही बात पूछी गई है तो उसको फिर एक ही आइटम में रख दिया गया। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड आइटम्स की कि आपने जब आइटम डिज़ाइन करने हैं तो किस तरह से करने हैं, आपने उनको किस तरह से बनाना है। अगर आपने उनके उन आइटम्स को आप बेशक उसके 10 आइटम बना लेते हैं लेकिन वैलिड बना लेते हैं, रिलायबल बना लेते हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर 100% जो है वो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद है वैलिडिटी ऑफ गुड टेस्ट और रिलायबिलिटी ऑफ गुड टेस्ट,
एक अच्छा टेस्ट जो है वो वैलिड होता है, अच्छा टेस्ट रिलायबल होता है। वैलिड कैसे होता है कि आप उसको जिस मकसद के लिए बना रहे होते हैं उसके ऊपर उसका रिजल्ट 100% अच्छा आ रहा होता है। देखें, थर्मामीटर आप बुखार चेक करने के लिए बना रहे हैं तो वो बुखार को बहुत अच्छा मैयर करता हो, लेकिन अगर वो नहीं उसको मैयर कर रहा तो फिर उस थर्मामीटर का हमें कोई फायदा नहीं होगा। एक अच्छा टेस्ट जो हम शिजोफ्रेनिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो वो शिजोफ्रेनिक पेशेंट पे अच्छा रिजल्ट देता हो, ना कि वो हमें एंजाइटी पे अच्छा रिजल्ट दे, ना कि हमें वो किसी और पे जाके अच्छा रिजल्ट दे। तो वैलिडिटी ऑफ गुड टेस्ट यही है कि आपने टेस्ट जिस चीज के लिए डिजाइन किया है वो उसकी मौजूदा जरूरियात को देखते हुए बनाया गया। रिलायबिलिटी ऑफ गुड टेस्ट, टेस्ट जितनी दफा भी रिवाइज किया जा रहा है उसकी स्कोरिंग सेम है, रिलायबल है इसलिए उसकी स्कोरिंग भी सेम है। अगर वो रिलायबल नहीं होगा तो उसकी स्कोरिंग में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, कभी तो उसका स्कोर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा और कभी उसका स्कोर बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं ये, कोई डिजाइन नहीं किए गए होते, कोई इनके हवाले से कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बनाए गए होते, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। आपने खुद ही इनके इनको आंसर करना होता है, खुद ही बाज़ुकात आपको कोई टॉपिक जो है वो आपने चूज कर लेना होता है और उसको उसके ऊपर आपने काम करना होता है। एम्बिग्विटी बेस्ड, इबहाम पाया जाता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने इनको किस तरह से आंसर करना है। क्या आपको बाज़ुकात लग रहा होता है कि इसका आंसर ये हो सकता है 100%, बाज़ुकात आपको लग रहा होता है कि नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा इबहाम होता है, कंफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, शौरी और लाशौरी दोनों तरह से आप उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब आप उसको मुकम्मल तौर पर आंसर कर देते हैं तो उसकी जब स्कोरिंग चेक की जाती है तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसमें डिफरेंट हमें मिलते हैं। तो यहाँ तक जो है आज हमारा टॉपिक था इंटरव्यू तक, और इसके अलावा जो प्रोजेक्टिव टेस्ट थी वो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को याद करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। और अगर इससे मुतलका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं।